जी आराम करें भैया। बिल्कुल बिल्कुल। आप सभी को नमस्ते, बंदे मातरम। और हमारे बीच में वैद्य श्री सत्यवान नायक जी उपस्थित हैं, जो आयुर्वेद की विषय पे हमें जानकारी हम सभी को देते हैं, जिसमें काफी अच्छी जानकारी हम सभी को मिल रही है। तो आप सभी बने रहें और इसी तरह जुड़ते रहें। आप सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बंदन, और वैद्य श्री जी का बहुत बहुत स्वागत। तो हम सभी मंत्र पाठ के साथ सत्र का आरंभ करेंगे। वंदे मातरम साथियों, किसी की आवाज नहीं आ रही है। ओम यो भूतं च हेलो, भवयं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्गस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। सभी को नमस्ते, वंदे मातरम। हमारे बीच हरजिंदर में जी, वैद्य आप श्री नायक जी उपस्थित आवाज हैं, नहीं आ रही है। जिसमें कि आयुर्वेद के विषय पे हम सभी को जानकारियां मिलती है। तो वैद्य श्री जी अगर भी सुन पा रहे हैं तो निवेदन करेंगे कि आयुर्वेद पर आलोचना सत्र आरंभ करें। धन्यवाद दीपक भैया, सभी सभी मित्रों को धन्यवाद। नमस्ते, वंदे मातरम। आयुर्वेद के जनक भगवान श्री धन्वंतरि जी को नमन करते हुए हम गतांग से आगे चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कल हमने कर्का और कर्का के विषय में विशेष रूप से, मतलब कल हमारा मतलब चर्चा रहा था, और पानी मतलब किस किन किन मतलब स्थिति में किन किन अवस्था में पानी का मात्रा मतलब में कम पीना चाहिए, उस विषय में हमने कहा था। और पानी को भोजन के पहले और भोजन के मध्य में, बीच में और भोजन के अंत में सेवन करने से उसका क्या परिणाम मिलता है, और पानी से हमें मतलब कैसे बल मिलता है, उस विषय में कल हमारी चर्चा हुई थी। आज चर्चा करते हैं, ये जो हम कहीं भी मतलब मानते हैं कि देखते हैं कि मतलब कहीं ग्रीष्म ऋतु में हम कहीं जा रहे होते हैं तो नदी का पानी देखते हैं कि मतलब सूखा हुआ होता है, ऊपर रेती रेत होता है। तो उसमें जब मतलब हम कुछ खोदते हैं नदी को भी, तो एक हाथ या तो 1 फुट या 2 फुट ऐसा खोदने के बाद में उसमें से भी मतलब पानी निकल आता है। तो उसको तो हमारे मतलब उड़ीसा में उसको चुआ पानी ऐसा बोलते हैं उसको, परंतु हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, संस्कृत में क्या बोलते हैं तो पता नहीं। परंतु नदी को जब मतलब सूखा हुआ नदी को जब आप मतलब खोदेंगे तो उसमें से मतलब पानी निकलता है कुछ, उसको आप मतलब आपको उबाल नहीं उबालेंगे तो भी चलेगा, उसको मतलब केवल छान कर भी आप उसको प्रयोग में ला सकते हैं। तो ऐसा कहते हैं कि आयुर्वेद में चरक संहिता में भी और महर्षि भावमेश्वर जी भाव प्रकाश में ऐसा कहते हैं कि जो मतलब जमीन को खोदने के बाद में जो जल मिलता है, या तो नदी के सूखा नदी को खोदने के बाद में जो रेत हटने के बाद में जो जल मिलता है उसको उद्भिद जल कहा जाता है। और ये उद्भिद जल मतलब ऐसा है, कोई कोई कहते हैं ना कि हमने एलोपैथी की इतनी सारी दवाइयां खाई, औषधियां खाई, परंतु कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, मेरा पेट कभी साफ होता नहीं है, मुझे कब्ज बना रहता है सालों साल, और मैं इतने वर्षों से मतलब ये औषधियों का सेवन कर रहा हूँ, मैं इतने सालों से ये औषधियों का सेवन कर रहा हूँ, पर मुझे मतलब कोई फायदा नहीं होता है, मुझे कोई भी लाभ नहीं मिलता। बराबर, आप कभी बिहार के गया में जाएंगे, जो गया जो होता है ना, गया तीर्थ, वहां पर श्राद्ध करने के लिए जाते हैं, सब पितृ श्राद्ध करने के लिए गया में जाते हैं, जहां पर माता सीता जी ने मतलब अपने ससुर जो दशरथ जी है उनके लिए उन्होंने पितृ श्राद्ध किया था वहां पर, मतलब पिंड दान किया था। तो आज भी वो प्रचलित है वो स्थान गया, और उसके लिए बहुत प्रसिद्ध है, हर को मतलब सभी भारत के कोने कोने से वहां पर आते हैं, मतलब पिंड दान करने के लिए, वहां पे जल चढ़ाने के लिए भी आते हैं। तो वो जो वहां पर जो नदी है, फल्गु, फल्गु नदी बोलते हैं, तो फल्गु जो नदी है ना, वहां पर केवल बरसात के 2 महीने में पानी भरा रहता है, बाद में वो सूख जाता है। मतलब पूरा जब भी जाएंगे साल भर में, वर्ष भर में जब भी जाइए, वहां का पानी आपको मतलब नदी जो है सूखा ही मिलेगा। परंतु थोड़ा मतलब हल्का सा मतलब वहां पे रेत खोदेंगे ना, मतलब एक हाथ दो हाथ या 3 हाथ ऐसा नीचे गड्ढा खोदेंगे तो आपको उधर मतलब जल मिलेगा। तो वो जो जल मिलता है, मतलब केवल फल्गु का उदाहरण इसलिए दिया हूँ क्योंकि मतलब वहां पे फल्गु नदी को ऐसा माता सीता जी का श्राप मिला हुआ है,
क्योंकि उसने मतलब मिथ्या कहा था, मतलब मिथ्या साक्षी दिया था, झूठ बोला था, जिसके कारण वहां पर माता सीता जी का अभिशाप मतलब उसे मिला। तो ये जो मतलब है जो फल्गु नदी का जो मतलब पानी वहां पर मतलब अधिक मात्रा में वहां पर पानी मतलब मिलता है, खोदने के बाद में वहां पर पानी मिल जाता है, बड़ी सहजता से मतलब पानी मिलता है। तो वो जो पानी जो होता है आयुर्वेद में उस पानी के विषय में क्या बताते हैं, तो महर्षि जो भाव मिश्र है आयुर्वेद आचार्य, वो ऐसा कहते हैं कि जिनको अम्लपित्त की समस्या सालों से मतलब बहुत बहुत दिनों से बहुत अम्लपित्त मतलब हाई एसिडिटी होती ही है, वो कितना भी औषधियों का सेवन करे वो अम्लपित्त जिनका मतलब ठीक नहीं होता है, या तो फिर देखेंगे कि कई लोग ऐसे होते हैं कि पेट साफ नहीं होता है, बहुत दिन हो जाते हैं उनका पेट साफ नहीं होता है, तो ऐसा कहते हैं। और ये उद्भिद जल का मतलब सेवन करने से मतलब महर्षि ये भाव मिश्र जैसा कहते हैं कि ये पित्त शामक होता है, मतलब हमारे शरीर में जो पित्त होता है अम्ल पित्त, वो अम्ल पित्त को तुरंत शांत करने वाला होता है। और मतलब जो जलन होता है जिनको हाइपर एसिडिटी होने के कारण क्या होता है, उनके मतलब सीने में जलन होगा, पेट में जलन होगा, आंख में जलन होगा, गले में जलन, शौच मतलब मलद्वार में मतलब जलन होता है, जैसे मतलब बवासीर हो गया हो, तो वो जलन को तुरंत शांत करता है। और ऐसा कहते हैं कि बहुत ही शीतल होता है, मतलब शरीर को बहुत शीतल होता है, जिससे मतलब कोई कोई लोग होते हैं ना कि रात को ठीक से नींद नहीं आता, फिर उनको क्या करना होता है आयुर्वेद के अनुसार पंचकर्म के उधर अंतर्भुक्त जो आता है शिरोधारा, शिरोधारा करने से फिर उनको नींद आती है। परंतु आयुर्वेद मतलब कार्य ऐसे कहते हैं आयुर्वेद आचार्य, यदि कहीं कहीं मतलब शिरोधारा का सुविधा जो है उपलब्ध नहीं हो पाया तो वहां पर क्या करना चाहिए, ये उद्भिद जल का उनको सेवन करना चाहिए और उनको सिरों में सिंचन करना चाहिए, मतलब सर को धोना चाहिए, मस्तक को। तो इससे क्या होगा, ये उनको मतलब बहुत मतलब अच्छी नींद आएगी उनको, जिनको मतलब नींद की समस्या रहती है उनके लिए ये जो उद्भिद जल है बहुत मतलब लाभदायक होता है। और ऐसा कहते हैं कि जिनको मतलब मान लीजिए अभी मतलब थोड़ा भोजन किया, मतलब उनका जो पेट में जो भोजन है वो पचा नहीं है, पाचन हुआ नहीं है, परंतु कुछ समय बाद में उनको ऐसा लगता है कि मुझे फिर भोजन खाना है, मतलब पेट पेट फुला हुआ रहता है, पेट में मतलब भूख नहीं है, परंतु मन में इच्छा होती है कि मैं खाऊं, मैं और भोजन करूं और भोजन करूं, तो इसको ऐसा कहते हैं कि उसको तृप्ति नहीं है, उसको इस रोग को अतृप्त कहा गया, माधव निदान में माधव जी ने इस रोग को अतृप्त रोग कहा है, मतलब वो पेट कितना भी भरा भर जाए परंतु वो और खाने को इच्छा करेगा और खाने को इच्छा करेगा, मतलब जैसे मतलब बकरी होती है वो दिन रात वो यदि मतलब उसको छोड़ दिया जाए मतलब खाने के लिए तो वो मतलब खाता ही रहेगा खाता ही रहेगा, मतलब उसको मतलब कभी तृप्त नहीं होती है। ये मतलब जो भैंसा भी होते हैं, जो बैल भी मतलब जो होते हैं, सांड होते हैं, और जैसे मतलब समुद्र होते हैं, आप उसमें कितना भी मतलब कुछ द्रव्य डालो वो कभी भरेगा नहीं, मतलब समुद्र का कभी मतलब गर्भ भरेगा नहीं, मतलब ऐसे भी मतलब बहुत से मतलब होते हैं, जैसे मतलब पुत्री भी मतलब ऐसा कहते हैं, मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा समाज में प्रचलित है कि दामाद को मतलब कितना भी दे दो तो वो कभी मतलब तृप्त नहीं होता, मतलब दहेज के रूप में या तो कोई भी वस्त्र के रूप में, द्रव्य के रूप में, कुछ भी मतलब देते रहो वो कभी नहीं कहेगा कि मतलब मैं तृप्त हूँ अभी अभी मुझे मत दीजिए, मतलब कहने का अर्थ है उनको तृप्त होता ही नहीं, ये अतृप्त होते हैं, बराबर अतृप्त आत्मा जो बोलते हैं ना ये अतृप्त होते हैं। तो ये जो मतलब कितना भी मतलब भोजन करे पेट तो भरा हुआ है, पचा नहीं है, जीर्ण हजम नहीं हुआ है, परंतु उसको ऐसा लगता है कि मुझे अभी खाना चाहिए, मुझे भी मतलब उनको कुछ भी मतलब खाने की ही बार बार इच्छा होती है। तो ऐसे जो अतृप्त रोगी होते हैं तो उनको क्या करना है, ये जो उद्भिद का जल है उनको पिला देना है, भोजन के बाद में पिलाना है, या तो खाली पेट में भी पिला सकते हैं, ज्यादा नहीं लगभग आधा गिलास या तो 1 कप प्रतिदिन मतलब उनको पिलाना है, कुछ दिन ज्यादा नहीं केवल 15 दिन या 1 महीना तक उनको पिलाना है, फिर देखिए इसका क्या चमत्कार होता है, मतलब बिना औषधि से वो ठीक हो जाएंगे ये केवल उद्भिद का जल देकर। और ऐसा मतलब होता है कि कोई कोई होते हैं कि बोलते हैं कि मेरे मतलब मुंह में ऐसा लगता है कि खट्टा पानी आ रहा है, और कोई कोई बोलता है मुझे केवल नमकीन आता है, मैं मीठा भी खाता हूँ तो भी मुझे नमकीन लगता है, कोई कोई बोलते हैं तो मेरे मुंह में केवल कड़वा पानी ही भरा रहता है, मैं कुछ भी खाऊ मीठा भी रसगुल्ला भी खाऊ तो भी मुझे कड़वा लगता है तीखा लगता है, इसका मतलब रहस्य क्या है, इसका रहस्य यह है कि उनके शरीर में कफ की मात्रा बहुत कम है, और ये उद्भिद का जो जल है, उद्भिद जल जो जमीन के नीचे से जो खोदा हुआ जल है जो नदी से, ये इसको जो उद्भिद जल कहा गया है, ये बहुत मतलब शीतल कारक होता है और इससे कफ शीघ्रता से बनती है, जिससे कि उनका जो मतलब
मुंह में जो नमकीन नमकीन सा स्वाद लगना, या तो कड़वा कड़वा कड़वापन का अनुभव होना, या तो फिर तिक्त रस कटु रस का मतलब स्वादपन मतलब आना, ये जो है वो ऐसे मतलब जादू जादू जैसे मतलब जादू दिखाते ना जादूगर, ऐसे जादू की तरह वो मतलब छुमंतर हो जाती है। मतलब कहने का अर्थ है वो उनका मतलब मुंह का जो स्वाद जो चली गई होती है वो स्वाद फिर मतलब पुनः वापस आ जाती है। और ऐसा कहते हैं कि कोई कोई मतलब टर्निंग मांगते हैं कि हमको मतलब ऐसा कोई टर्निंग दे दो जिससे कि मतलब हमारे शरीर में बल आए, ताकत आए, शक्तिमान हो जाए, मतलब हमें मतलब स्फूर्ति होना चाहिए। मतलब शक्ति और बल आने का कहने का अर्थ है कि मतलब मैं कभी भी कुछ भी काम करने के लिए मैं प्रस्तुत हो रहा होता रहूं। जैसे मतलब सैनिक होते हैं, जैसे योद्धा लोग होते थे, राजा के मतलब जो सैनिक होते थे पहले, कि आज ये राज्य के लिए युद्ध के लिए जाना है, आधी रात में भी वो तैयार होकर निकलेंगे। जैसे हमारे मतलब भारत के जो सुरक्षा बल है, मतलब जवान जो लोग होते हैं, सैनिक जो होते हैं, कि आज मतलब ये यहाँ पे मतलब युद्ध होना है तो आधी रात को भी वो निकल पड़ेंगे। यहाँ पे मतलब अभी वहां पे युद्ध करके आए, फिर भी बोले मतलब ऑर्डर आया कि यहाँ पे जाना है, तो वहां से निकल पड़ते हैं। वो कैसे निकल पड़ते हैं? क्योंकि उनमें फुर्तीला है, उनमें ताजगी है, वो जो मतलब बोलते हैं ना तरोताजा, वो रिफ्रेश जो बोलते हैं वो फ्रेशपन है, ताजापन है। तो ये ताजापन मतलब लाना चाहिए, मतलब लाना चाहते हैं अपने शरीर में, मतलब शक्ति और बलवान बल और फुर्तीला मतलब लाना चाहते हैं। तो आपको बीच बीच में कभी कभी जो है ये मतलब नदी का जो मतलब उद्भिद जल है वो उसका मतलब सेवन करना चाहिए। और ऐसा होता है कि जो कोई कोई बच्चा मतलब बोल नहीं पाता है, कोई कोई बोलते हैं ना कि 2-3 साल हो गया ये मेरा बच्चा मतलब बोल नहीं पा रहा है, बात नहीं कर पा रहा है, या मतलब उसके मतलब मुख से जो है मतलब कुछ निकलता नहीं है, और वो चल फिरने में थोड़ा मतलब ये मतलब अशक्त रहता है, मतलब थोड़ा मतलब उसको कोई रोग नहीं हुआ है, उसके कोई धातुओं में कोई समस्या नहीं है, मतलब उसके मांस अस्थि मज्जा रस रक्त जो सात धातु है ये बराबर मात्रा में है, परंतु फिर भी वो मतलब बोलने में वो थोड़ा हिचकिचाता है। इसके लिए हिचकिचाता है क्योंकि उसमें उसके शरीर में वायु जो हमारा जो वात पित्त कफ है, तो वायु उसमें मतलब मात्रा कम रहती है, वात का मात्रा जो है कम है। तो वात को यदि मतलब बढ़ाना है तो एक तो प्रयोग है, हमने कल ओला के विषय में भी चर्चा किए थे कि जो करका होती है वो जो आकाश आकाश मार्ग से जो बर्फ के टुकड़े मतलब गिरते हैं, आप उसका भी सेवन कर सकते हैं। या तो फिर क्योंकि वो तो बरसात के समय में मिलेगा, आपको पूरे साल वर्ष भर तो नहीं मिलेगा, तो वर्ष भर में आपको ये मिल जाएगा। आपको ये जो उद्भिद का जल है, आपके आसपास देखेंगे कोई ना कोई नदी होगा तो वहां पे मतलब थोड़ा खोदिए, खोदने के बाद में जो पानी निकलेगा उसको उद्भिद जल कहते हैं, उसको छान लीजिए, मतलब 3-4 बार उसको छानने के बाद में वो एकदम मतलब शुद्ध जल हो गया। फिर उसको कोई टेस्टिंग करने के लिए जरूरत नहीं है कि इसका पीएच लेवल कितना है, इसमें क्या है, वो क्या है, मतलब ऐसा कोई परीक्षण करने की आवश्यकता नहीं, आप उसका सीधा ही मतलब उसको प्रयोग में ला सकते हैं। तो देखेंगे जो जो बच्चे मतलब 1-2 साल हो चुके हैं, 3 साल हो चुके हैं, जो बोल नहीं पा रहे हैं, वो धीरे 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 बोलने लग जाएंगे। केवल इतना करना है, वो पानी को रखकर में सुबह में एक बार, दोपहर को एक बार, शाम को एक बार और रात को एक बार, मतलब 2-2 चम्मच या तो 3-3 चम्मच के हिसाब से आपको पिलाने देना है, या तो 1-1 कप भी मतलब आपको उनको मतलब पिलाने देना है। तो ये मतलब बहुत अच्छा मतलब होता है। और ऐसा मतलब कहते हैं कि वो कोई भी मतलब थोड़ा पानी भी पीते हैं ना तो पानी भी हजम नहीं होता है। ऐसा कोई कोई कहते हैं कि मैं कुछ भी पानी पीता हूँ तो मुझे 10 मिनट या तो 15 मिनट बाद में मुझे मतलब ये लघु शंका होने लगती है, तो मैं मुझे फिर मतलब मूत्र विसर्जन के लिए जाना होता है। वो ऐसा तब होता है क्योंकि वो जो खाया पिया मतलब जैसे मान लीजिए कि हमने कुछ खाना खाया, भोजन किया, जब वो हजम नहीं होगा, जीर्ण नहीं होगा, तो क्या होगा हमें, वो हमें मतलब हैजा हो जाएगी, मतलब हमें अतिसार हो जाएगा। तो देखेंगे कि पतला पतला जो दस्त लगते हैं, हमने जो खाया पिया रहता है ना कि वो दस्त में वही निकलते हैं, मतलब झाड़ा में वही निकलता है। ठीक उसी प्रकार जब हम मतलब पानी पीते हैं, जब वो पानी जब हजम नहीं होता है ना तो हमारे मूत्र मूत्र मार्ग से वो बाहर निकल जाता है। मतलब कहने का मतलब वही है, मतलब सूत्र वही है, जब हमारा भोजन पचता नहीं है तो मतलब मल मार्ग से निकलता है, जब पानी पचता नहीं है या तो हम कोई भी मतलब जूस ऐसा मतलब कुछ पीते हैं, दूध या सब पीते हैं, जब वो हजम नहीं होता है तो हमारे मूत्र मार्ग से वो निकल जाते हैं। तो यदि आप मतलब ये समस्या होती है तो समझ लीजिएगा कि आगे आपके लिए जो हमारा जो शुक्र धातु है और रक्त धातु है वो कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है, मतलब कुछ दिनों के बाद में, 6 महीने के बाद में या तो 1 वर्ष के बाद में, ये आपका मतलब पूर्व रूप है, मतलब ये सिग्नल है कि आगे आपका मतलब थोड़ा मतलब संकट है, तो उसमें आपको बचना चाहिए। और इसमें यकृत और जो वृक्क है वो कुछ ना कुछ उसमें, और प्लीहा जो है वो कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है। यदि आप मतलब थोड़े पतले हैं, मतलब ठीक ठाक है आपका शरीर,
और देखेंगे ये आपकी मतलब समस्या हो रही है, मतलब पानी पीने के बाद में कुछ दिनों के बाद में कुछ समय के बाद में आपका पेशाब लग रहा है, मूत्र विसर्जन हो रहा है, तो समझ लीजिएगा कि आपका आगे चल करके पेट निकलने वाला, जो बोलते हैं ना मैं मतलब तोंद निकल आया, पेट मतलब बाहर आ गया, मोटापा आ गई, मतलब ये मोटापा से मतलब कैसे पता चल रहा है कि जिसका पेट बाहर आया वो मतलब मोटा हो गया है, जिसका पेट बाहर नहीं आया वो एकदम मतलब स्वस्थ है, एकदम मतलब स्लिम बॉडी है, मतलब टाइट बॉडी है, जिम जाकर के बॉडी बनाया है, ऐसा बोलते हैं। मतलब पेट का यदि आकार मतलब बहुत बढ़ गया तो मोटापे की नजर से देखते हैं, मतलब आजकल के लोगों के दृष्टिकोण इस प्रकार हुआ है। तो ये जो पेट बाहर निकल आना, तो ये जो समस्या है, और जिनको बार बार पेशाब हो जाता है मतलब पानी पीने के कुछ समय के बाद में, तो उनको कुछ कुछ दिनों के लिए या तो कुछ महीनों के लिए ये उद्भिद जल का मतलब सेवन करना चाहिए, जिससे देखेंगे कि जो मतलब बार बार उनको जो पेशाब हो जाता है पानी पीने के बाद में, ये समस्या जो है वो समाप्त हो जाएगी, ऐसा मतलब भाव मिश्र जी मतलब कहते हैं। और एक जो होता है झरने का जो जल होता है, जो पर्वत के पहाड़ों में जो झरना होती है, ये जो झरने का जो जल होता है ना वो सबसे शुद्ध होता है, उसको मतलब शुद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो सिद्ध शुद्ध इसलिए होता है क्योंकि पहाड़ों में पर्वतों में बहुत सारे जड़ी बूटियों मतलब जड़ी बूटी सब रहती है, तो विभिन्न प्रकार का जो जड़ी बूटियों का जो जड़ से मूल से होकर के वहां पे मतलब मान लीजिए कोई पेड़ पत्ता गिरा, छाल गिरा, या तो कोई पेड़ गिरा, या तो कोई फूल पत्ते, या तो कुछ भी मतलब गिरता है तो उसी पानी में गिरता है, तो वो पानी मतलब रहते रहते क्या हो जाता है, औषधि का रूप मतलब हो जाता है। तो ये क्या होता है, जिनको मतलब खाने की इच्छा नहीं होती या तो मतलब खाया पिया कुछ पचता नहीं है, तो झरने का जल थोड़ी मात्रा में सेवन करना चाहिए, क्योंकि झरने का जल लगता तो ठंडा है परंतु वो कफ नाशक होता है, उनका जो उसका जो गुण है झरने का वो कफ को नाश करने वाला होता है। तो जिनको मतलब ये थायराइड की समस्या रहती है, टॉन्सिल जिनका बढ़ा हुआ रहता है, तो उनको क्या करना चाहिए, मतलब ब्राह्म मुहूर्त में झरने का जल से मतलब स्नान करना चाहिए, ब्राह्म मुहूर्त ना सही तो सूर्योदय से पहले झरने का जल से मतलब स्नान करना चाहिए, परंतु सूर्योदय के बाद में अगर स्नान करोगे झरनों में तो आपका मतलब टंसिल और बढ़ जाएगा, थायराइड और बढ़ जाएगा, इसोफिलिया बढ़ जाएगा, आपको ठंड सर दर्द मतलब सर्दी खांसी जुकाम नाकबंदी ये सब समस्या हो जाएगी, और आपका शरीर है ना एकदम भारी भारीपन मतलब लगेगा। तो यदि झरने में यदि आपको स्नान करना है या तो झरने का मतलब जो भी मतलब पानी का उपयोग करना है, तो सूर्योदय से पहले आपको उसका झरने का जल जो है उपयोग में लाना है, क्योंकि वो क्या होता है हमारा अजीर्ण नाशक होता है, अग्निमान्द्य नाशक होता है, रुचि कारक होता है, अरुचि जो रोग होता है हमें मतलब कुछ भी खाने पीने की इच्छा नहीं होती, मतलब भूख खाने का थाली देख देते हैं तो हमारा भूख तुरंत मर जाता है बराबर। कभी मतलब कोई कोई क्या लोग होते हैं कि उनको मतलब मांस मछली अंडा ये सब मतलब खाएंगे, उनके मतलब भोजन में थाली में बड़ा होगा मतलब परसा होगा, थाली लगी होगी तभी उनको भूख लगती है, यदि उनमें मतलब शाकाहारी भोजन दे दिया तो उनका भूख तुरंत मर जाता है, ऐसे मतलब कई लोग होते हैं। तो ये जो अरुचि रोग होता है मतलब खाने पीने की इच्छा ना होना, ये झरनों के जल में केवल स्नान करने मात्र से उनका ये जो खाने पीने की इच्छा ना होना ये दूर हो जाता है। जैसे मैं कुछ उदाहरण देता हूँ, पहले के हम मतलब को थोड़े 20-30 बरस पहले की बात मतलब पहले की ओर चलते हैं, जब मतलब ये टंकी का पानी नहीं होता था, मतलब सरकार हमें ये पाइपलाइन से मतलब हमें नहीं पहुंचाया करती थी, आजकल तो मतलब गांव में भी टंकी हो गया है, पाइप से हमारे घर पे मतलब पानी आने लगा है, नल से पानी आने लग गए हैं, परंतु तो थोड़ा 30 वर्ष पहले चले जाइए तो देखेंगे कि गांव के जो महिलाएं होती थी, माएं बहनें जो होती थी, वो क्या करती थी, मटका ये सब मतलब लेके बर्तन लेके वो नदी में जाती थी, वहां पे मतलब खोदती थी, कुआं खोदती थी नदी में, तो वहां का पानी मतलब लाके वो सेवन करते थे, तो वहां पर मतलब कितने हल्के से सेवन करते थे, कितना न्यूट्रिशन वहां पे मतलब पोषण की जो मतलब प्रोटीन मतलब सेवन करते थे, कॉम्प्लान ये सब मतलब कितने सेवन करते थे, गांव में कुछ सेवन नहीं करते थे, ये अश्वगंधा शतावर क्या वो लोग सेवन करते थे, नहीं करते थे, तो उनमें इतना फुर्तीला इतना मतलब जोश, ये जो स्फुरा ये जो मतलब जो शक्ति है ये बल है वो कहाँ से आया, वो उद्भिद के जल से मतलब सेवन करने से उनके पास ये आया है। और पहले के जमाने में जो मतलब 30 वर्ष पहले क्या करते थे, झरने में जाके नदी में जाके तालाब में जाके उस सूर्योदय से पहले जाके मतलब स्नान करते थे, तो ये जो मतलब झरने में स्नान करना या तो नदी में स्नान करना ये सब मतलब क्या होता था, वहां पे मतलब केवल स्नान करने मात्र से, पानी पीने की तो बात दूर रही, केवल स्नान करने मात्र से मतलब अरुचि रोग दूर हो जाते हैं, अग्नि मतलब दीपक मतलब भूख बढ़ जाती है, और खाना पीना हजम हो जाता है, कफ जो है नाश हो जाता है, वायु मतलब थोड़े मतलब समान करता है बराबर, और मतलब क्या करता है,
ना हमें मतलब कुछ भी मतलब जो मतलब मधुर जो वचन बोलने वाले जो होते हैं, बोलते हैं ना कि मधुर वचन बोलना चाहिए, मधुर व्यवहार करना चाहिए। ये जो मधुर वचन बोलने का, ये जो मधुर व्यवहार करने का, ये मतलब कोई किसी को सिखाता नहीं था। आजकल तो सब मतलब जाते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डिग्री, ये सब करते हैं। परंतु पहले 30 वर्ष के पहले ऐसा कुछ करते नहीं थे गांव के लोग, शहर के लोग भी मतलब इतना सब नहीं करते थे। तो ये सब मतलब पहले के 30 वर्ष के पहले देखेंगे तो उनके जो वाणी में है ना, एकदम मतलब मधुरता होती थी, एकदम मतलब मनमोहक बातें मतलब उनके मुंह से निकलती थी। कोई ये शत्रु भी सुन लेगा ना तो भी मतलब वो मोहित हो जाए, ऐसे मतलब बातें निकलती थी। परंतु आज देखिए मतलब ग्रेजुएशन करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन, डिग्री, क्या क्या करते हैं पता नहीं, परंतु उनके मुंह से हाँ, लेकिन कॉमेडी बातें जरूर मतलब वो कपिल शर्मा का शो या तो वगैरह वगैरह सब कॉमेडियंस मतलब शो देख करके मोबाइल में यूट्यूब में कॉमेडी सब कर लेते हैं, और ऐसे कॉमेडी करते हैं जो कि तुच्छ कॉमेडी, जिसको मतलब जो हमने की सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण जो मानस दोष के ऊपर हमने आलोचना की थी, तो जो सत्वगुण जो तमोगुण वाला जो परिहास, वो तमोगुण वाला कॉमेडी करते हैं, परंतु जो सत्व गुण वाला परिहास है, जो कॉमेडी होता है, रजोगुण वाला जो परिहास कॉमेडी होता है, वो किसी को मतलब आता है नहीं, मतलब मन में आता है नहीं तो करेंगे क्या? वो क्यों नहीं आता है? वो इसलिए नहीं आता है क्योंकि ये नल में जो पड़ा पड़ा मतलब जो बासी पानी है वो हम सेवन करते हैं, ये जो टंकी का पानी वो हम सेवन करते हैं, उसको नहाते हैं। तो इससे क्या होती है, हमारा जो मधुर व्यवहार करने की जो विवेक है, वो विवेक हम मतलब खो बैठते हैं, वो विवेक हमारा शून्य हो गया है। जो विचार करने की जो शक्ति है वो हमने खो दिया है, क्योंकि हमारा विवेक को, मन को जागृत करता ही नहीं है। तो इसके लिए मतलब ऐसा होता है। तो देखेंगे कि जो झरने से केवल स्नान करने से, नदी में स्नान करने से मतलब मधुर वाणी, वाणी में मधुरता आ जाती है। और एक मतलब ऐसा होता है कि यदि हम झरने का जल यदि हम सेवन करते हैं तो उसको मतलब, लेकिन परंतु उसको क्या करना है, उबाल करके उसको मतलब जब गर्म हो, मतलब गर्म गुनगुना हो, उसी समय उसका सेवन करना चाहिए, नदी का जल, झरने का जल। तो उससे क्या होता है, मतलब पाक में कटु रस हो जाता है। कटु रस यानी कि जो तीखापन, जो कटु मतलब होता है, कटु जैसे मतलब हमारा काली मिर्च है, सौंठ है, अदरक है, पिपली है, विड़ंग है, ऐसे मतलब कई चीजें जैसे सफेद मिर्च है, तो ये सब मतलब कटु रस होते हैं। तो कटु रस मतलब जब हम सेवन करते हैं तो क्या होता है, हमारा पित्त का शमन होता है और कफ का भी शमन होता है, परंतु वायु को थोड़े मात्रा में वो बढ़ाता है, हमारे समान वायु को बढ़ाता है, प्राण वायु को बढ़ाता है। तो इसके लिए जो नदी का जल है, झरने का जल है, उसमें विपाक में मतलब हमने भोजन किया या तो उसका सेवन किया, जब वो हजम हो जाए, हजम होने के बाद में जो रस उसमें बनता है वो कटोर रस होता है। तो ये कटोर रस जो इसके होता है, इसके लिए हमारा क्या है, खाया पिया वो पच जाता है। और ऐसा कहते हैं कि उसमें हल्का सा मतलब वो अग्नि दीपक है, अग्नि दीपक यानी कि हमारे जठर अग्नि को थोड़ा तेज करता है, इसके लिए उसको कम मात्रा में उसको मतलब सेवन करना चाहिए। मतलब झरने में अधिक मात्रा, अधिक समय स्नान नहीं करना चाहिए, नदी में भी अधिक मात्रा में अधिक समय तक स्नान नहीं करना चाहिए। मतलब ऐसा 3 डुबकी लगा ली, 4 डुबकी लगा ली तो बस बाहर आ जाओ। तो ऐसा करने से क्या होगा, उसका वो जो मात्रा है वो साम्य रहेगा। और ऐसा कहते हैं जो हमारा तालाब का जो जल होता है, वो जो जल होता है वो कहीं जाता आता नहीं है, वो स्थिर रहता है। मतलब बरसात के मौसम में, बरसात ऋतु में वहां पे बरसात हुई तो वहां पे जल जमा होने लगा, फिर जब मतलब वहां पे ग्रीष्म ऋतु हुआ तो धीरे 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 वो सूखने लगा। तो वहां पर लेकिन यह होता है कि उनके जो तट होते हैं, जो बंद होते हैं तालाबों में, तो बहुत सारे मतलब जड़ी बूटी भी होते हैं, विभिन्न प्रकार के बड़े बड़े पौधे होते हैं, जैसे कि मतलब बरगद का वृक्ष होता है, पीपल्स होता है, नीम का, जामुन का, ये सब वृक्ष होता है। तो उसका कुछ कुछ गुण उसमें मिले होते हैं, जैसे बरगद का फल जैसे हमारे मतलब सेवन करते हैं तो हमारे शुक्र धातु को बढ़ाता है, बल को बढ़ाता है, हमें मतलब फुर्तीला आता है, हमें मतलब अजीर्ण अग्निमय रोगों से मुक्त दिलाता है, और हमारे रस रक्त ये जो धातुएं हैं उसको भी पुष्ट करता है, और हमारे मतलब हड्डियों को भी ताकत देता है, शक्ति देता है। तो ये बरगद का फल जब मतलब तालाबों में गिरता है तो तालाब में गिरते गिरते वो क्या होता है, वो तालाब का पानी भी उसमें मतलब शक्तिमान मतलब हो जाता है, मतलब वो जो बरगद का जो मतलब जो शक्ति है, प्रभाव है, वो पानी में, तालाब के पानी में आ जाता है। और जामुन का फल भी उसमें गिरते हुए जाते हैं, जामुन का पेड़, तो उससे क्या हो जाता है, तो तालाब का जो गुण है, जैसे मतलब आज को हमको मधुमेह हो जाता है, तो किसी मतलब किसी ने जामुन खा लिया और उसके झूठे मतलब बीज को उसने मतलब बेच दिया,
पंसारी के वहां जाकर के, हम पंसारी के वहां से किसी के झूठा हुआ झूठन मतलब बीज लाते हैं, उसको पाउडर बना के बड़े शान से खाते हैं। क्यों खाते? हमारे मधुमेह को रक्त शुगर को कंट्रोल करना है। परंतु हम जामुन का मतलब नहीं खाएंगे, जामुन का बीज खाएंगे, क्योंकि हमारा देश में मतलब ये सिखाया गया है। हमारा मतलब मस्तिष्क में विचार मतलब ऐसी हो गई है स्थिति कि हम मतलब सही को मतलब ठीक से नहीं मतलब पर पा रहे, मतलब हमको सही दिशा में हम नहीं जा पा रहे, मतलब उसी दिशा में जाएंगे लक्ष्य में, परंतु एक गलत दिशा में हम जाते हैं, तो ऐसा मतलब होता है। तो ये जो तड़क का जो मतलब जो तालाब का जो होता है, वो अनेक वर्षों का मतलब बहुत वर्षों का मतलब पुराना होता है। कोई कोई जो मतलब देखेंगे आजकल तो कोई सरकार तालाब नहीं खोते, लेकिन पहले जब राजा महाराजाओं के समय में जब वो शासन करते थे राजा महाराजा लोग, तो उस समय क्या करते थे, तालाब खुदाते थे और रास्ते में कुआं खुदवाते थे, वृक्ष रोपण करते थे, जैसे मतलब नीम जामुन बरगद पीपल और अर्जुन का पेड़ और ये हिंजल का पेड़, ये सब मतलब खुदवा ये रोपण करते थे खुदवाते थे और दान धर्म करते थे, हवन करते थे, यज्ञ करते थे, मंदिर बनवाते थे। परंतु आजकल ये जैसे मतलब ये मंत्रियों का सरकार आया, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री ये जो सरकार आया, ये सब उल्टा काम कर रहे हैं। वृक्षारोपण कर रहे हैं परंतु जो वृक्ष लगाना चाहिए वो नहीं लगा रहे, जो नहीं लगाना चाहिए वो लगा रहे, तो ऐसा कर रहे हैं। और तालाब मतलब कोई कोई मतलब होता है शहर में, तो तालाब को मतलब अभी उसको मतलब तालाब में मिट्टी डाल करके उसको प्लॉट बना अपार्टमेंट में बना के उसको मतलब पैसा मतलब कैसे कमाना है, ये व्यापार के हिसाब से वो बनाने लगे हैं। परंतु ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो तालाब का जो मतलब होता है ना वहां पर, ये बहुत जो पुराना होता है उसको तड़ाक कहते हैं, या तो तालाब पोखरा सरोवर ऐसा कहते हैं। तो उसमें क्या 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 होता है, तो उसमें कुमुदिनी मतलब फूल खिलते हैं, जिससे कुमुदिनी का जब फूल खिलता है ना, तो उसमें कोई स्नान कर ले तो उसका देखेंगे कि मतलब रात को बहुत अच्छी नींद आएगी और उसको मतलब चर्म का कोई रोग नहीं होगा, क्योंकि जहां पर कुमुदिनी होती है और मतलब कीचड़ होती है और ये कमल का फूल खिलता है जिस सरोवर में तालाब में, तो वहां पे देखेंगे वहां पे जलौका होता है। और एक बात मतलब बता दूं, ये जो जलौका होता है ना, ये बहुत हमारे मतलब बहुत उपकार करता है, परंतु हम उसे समझते नहीं है। ये जैसे मतलब पहले के लोग देखेंगे कि सब तालाब में मतलब स्नान करने के लिए जाते थे, हर गांव में तालाब में मतलब होता था, कम से कम 7-8 तालाब मतलब ऐसा होता था, तो तालाब में हर कोई जाते थे। तब तालाब मतलब बहुत दिन मतलब बहुत वर्ष हो गए उसको मतलब साफ नहीं किया, संस्कार नहीं किया गया, तो उससे क्या होता था, वो कीचड़ मतलब भर जाता था। तो कीचड़ से भर जाने के बाद में फिर उसमें कमल का फूल खिलता था, तो कमल का फूल जिस सरोवर में खिलता हो तालाब में, वो पानी एकदम ठंडा एकदम शीतल मतलब लगता है। तो वहां पे मतलब कोई स्नान करे ना तो उसको एकदम से नींद आ जाए। तो पहले के जो 30 बरस के पहले मतलब चले जाइए, या तो अभी भी गांव में कुछ लोग जो तालाब में जाके स्नान करते हैं और जिस तालाब में मतलब सरोवर में कमल का फूल खिला हुआ है, देखेंगे कि उन लोगों को कभी बीपी की समस्या नहीं होगी, ना हाई बीपी की समस्या होगी, ना लो बीपी की समस्या होगी, ना उनका मस्तिष्क में कोई मतलब समस्या होगी, ना उनको मतलब ये स्नायु की मतलब दुर्बलता मतलब उनको उनमें कोई समस्या होगी नहीं होगी, और नींद की भी समस्या नहीं रहेगी, और उनके जो मतलब कैल्शियम का जो मतलब है ना, ये कैल्शियम का भी समस्या नहीं रहेगा। तो जरा कल्पना कीजिए, हमारे ऋषि लोग मतलब जो ऋषि मुनियों जो थे कितने बड़े वैज्ञानिक थे कि उन्होंने ये नियम बना दिया था कि आप लोग जाके सरोवर में स्नान करो, या तो नदी में स्नान करो, नदी में झरनों में स्नान करोगे तो आप सबके साथ में मीठा व्यवहार करोगे, मधुर व्यवहार करोगे, मधुर वाणी बोलोगे, जिससे समाज में एकत्रता रहेगा, एकाग्रता रहेगी और परस्पर में एकदम भाईचारा बना रहेगा और सबके प्रति सब जो है दया भाव रहेगा, प्रेम भाव रहेगा। तो ये सब मतलब ये ऋषियों का विज्ञान है, ये विज्ञान को आज का आधुनिक विज्ञान नहीं मान रहा, क्योंकि उसको मतलब प्रूफ चाहिए। तो इसलिए प्रूफ चाहिए क्योंकि वो अज्ञान है, तो मूर्ख मूर्ख लोगों को ही प्रूफ चाहिए होता है ना, प्रमाण चाहिए होता है। तो जो ये आज का जो विज्ञान है, ये विज्ञान नहीं अज्ञान है, इसके लिए उसको प्रमाण हर बात पर प्रमाण चाहिए। तो कोई कोई बात में मतलब ऐसा प्रमाण नहीं मिलता है, जैसे मतलब हम आजकल वायु को नहीं देख सकते परंतु वायु है ये तो हम मानते हैं क्योंकि हम अनुभव करते हैं। तो कुछ कुछ विषय जो हमारे ऋषि मुनियों का जो ज्ञान है वो अनुभव का विषय है, उसमें कोई प्रमाण नहीं मिल सकता, नहीं दे सकते। तो ये जो आज का जो अज्ञानता से भरा हुआ जो विज्ञान कहलाते हैं, उसमें सब मतलब प्रमाण ही मतलब मांगते हैं, जो कि प्रमाण नहीं दे सकते, हम हर बात पर प्रमाण नहीं दे सकते, कुछ कुछ अनुभव का विषय है। तो देखेंगे कि जो कमल का मतलब फूल में जो वहां होता है ना, तो सरोवर में तो वहां पे जलों का होता है, तो जिनका मतलब रक्त खराब है, मतलब जो बोलते हैं ना कि आपका ब्लड खराब हो गया है, इसके लिए आपको ये चर्म रोग हो गया, ये सोरियासिस हो गया, ये लिवर की समस्या से आपका मतलब ये हुआ है, ये दाद हुआ है, खुजली हुआ है, तो पहले के लोग देखेंगे जो सरोवर में जाते थे, तालाब में स्नान करने जाते थे, जो जिनका मतलब जो तालाब में जलों का होता था ना, जिनका खून का जरा भी मतलब थोड़ा गंदा हो गया तो मेला हो गया, तो जलों का उसको पकड़ लेता था।
और वो व्यक्ति जो है, बंदा मानो मनुष्य जो है, वो एकदम मतलब, क्योंकि जब स्नान करने जाते थे तो तालाब में तैरते थे, कम से कम आधा घंटा 1.5 घंटा तक तैरते थे। तो गांव में इतने समय तक तैरते तैरते उनको पता ही नहीं होता था क्यों जलों का उनको लगा हुआ है, क्योंकि जलों का मतलब जब लगता है ना, वो तो कोई कीड़ी नहीं है तो चिट्टी नहीं है कि मतलब हमको दुखेगा दर्द होगा, वो तो एकदम मतलब चिपक जाएगा। और जब तक आपका मतलब गंदा खून वो नहीं मतलब पी लेता, नहीं मतलब वो मतलब ग्रहण कर लेता है, तब तक तो वो छोड़ेगा नहीं। जब आपका शरीर का गंदा खून वो शोष लेगा ना, वो आपको ऑटोमेटिक मतलब अपने आप छोड़ देगा। हाँ ध्यान रहे, जिसका शरीर में खून मतलब रक्त तो जो है गंदा नहीं है, मतलब अशुद्ध नहीं है, उसको कभी भी जलों का नहीं स्पर्श करता है, ये ध्यान में रखिएगा। तो पहले के लोग क्या करते थे, सरोवर में जाके तालाब में स्नान करते थे, जो जिसके मतलब रक्त तो खराब हो जाता था तो जलों का अपने आप लग जाता था, और सारा का गंदा गंदा जो मतलब अशुद्ध रखते हैं, जो खराब रखते हैं, वो सोख लेता था, वो पी लेता था जलों का। तो इससे क्या होता था, पहले के मतलब 30 बरस पहले चले जाइए, 20-25 बरस पहले चले जाइए, अभी भी मतलब जो गांव में स्नान कर रहे तालाबों में, उनको पूछिए, उनको कभी दाद खुआज खुजली या तो कुष्ठ रोग या तो चर्म रोग सोरियासिस होता है क्या? नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जलों का है गाँव में तालाब में, वो सब मतलब वो वैद्य का काम कर देता है, तो उसमें आपको डॉक्टर के पास जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो परंतु इसको मतलब क्या करते हैं, ये आयुर्वेद में भी मतलब वर्णन है कि इसको जलों का लगा करके इसका रक्त मोक्षण करना चाहिए। जब आप पंचकर्म कराते हैं तो उसमें एक रक्त मोक्षण का भी मतलब एक क्रिया होती है, जिसमें कि जलों का लगा करके उसमें रक्त मोक्षण करते हैं, क्योंकि आपका जो अशुद्ध रक्त है वो निकल जाए। परंतु आजकल तो किसी का भी रक्त प्योरीफाई नहीं है, किसका भी मतलब शुद्ध नहीं है, परंतु हम रक्त दान कर देते हैं, डोनेट कर देते हैं, ऐसा समझते हैं कि रक्तदान महादान महापुण्य। परंतु आपका जो अशुद्ध रक्त है वो किसी दूसरे के शरीर में जाएगा ना, तो उसका शरीर में भी वो ही अशुद्ध रक्त के कारण उसका भी मतलब आपका जो गंदा विचार है, गंदा विचार आचार है, जो गंदे कर्म करते हैं, वो सब उसके मन में भी मतलब वो हो जाएगा, मतलब आ जाएगा ये अपने आप में। तो ये जो रक्तदान का जो मतलब विधान है, इसको बंद करना चाहिए। क्यों बंद करना चाहिए, मैं हम जब मतलब रस रक्त धातु के ऊपर जब आलोचना करेंगे, उसका सब रहस्य आपको बताऊंगा जो आयुर्वेद में वर्णन है। तो आपको मतलब ऐसा ऐसा मतलब आपको लगेगा कि ये सब विषय में आयुर्वेद में लिखा है, किसी ने बताया नहीं, किसी ने कभी हमको कहा नहीं, और ये मतलब बड़े चमत्कार का आपको लगेगा। मैं सब वो सब बात बताऊंगा आपको, आयुर्वेद में क्या क्या लिखा है रक्त के विषय में लेकर और रक्त धातु के विषय में लेकर, वो तो बात की बात है। तो ये जो सरोवर में स्नान करने से आपको ये जलों का एक लाभ मतलब आपको मिल गया है, और ये सब जितने मतलब जो आपका जो मतलब मस्तिष्क का जो भी मतलब समस्या है, वो सब मतलब समस्या दूर हो जाएगा, और आपको नींद भी बहुत अच्छी आएगी, और आपका देखेंगे जो जो घुटनों का दर्द है, आजकल हर किसी को घुटनों का दर्द है, कमर के दर्द है, एंकल में दर्द रहता है, ये कैल्केनियल्स पर भी मतलब रहता है, स्पॉन्डिलाइसिस रहता है, सर्वाइकल रहता है, ये सारा का सारा ये जो दर्द है, जो मतलब ये जो दर्द होता है ये क्यों होता है, क्योंकि आज हम लोग क्या करते हैं, टंकी के पानी से नहाते हैं। ये जो मतलब सरकार हमको भेजते है ना, ये नल का पानी ना हो, टंकी का पानी ना हो, ये बोतल का पानी पियो, पाउच का पानी पियो, ये मतलब ये डब्बा बंद खाना खाओ, ये सब करने से हमें क्या होता है भाई, वो उसमें ठीक भाव से नहीं मिलता प्राण वायु, जिससे क्या होता है हमारा वायु बिगड़ जाता है, विकृत हो जाता है, जैसे कि हम बात रोगों से पीड़ित हो जाते हैं। तो यदि मतलब मेरा एक अनुरोध है आपसे, यदि आप किसी गांव में निवास करते हैं, तो कल से यदि मतलब आप टंकी का पानी से नहाते हैं या तो नल के पानी से नहाते हैं, तो कृपया करके आधा घंटा 1 घंटा समय निकालिए अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, और तालाब में जाके नहाइए। और तालाब मतलब नहीं है आपके गांव में तो तालाब खुदवाइए, और तालाब है ना उसमें मतलब कमल का मतलब फूल खिलाइए, कुमुदिनी का फूल खिलाइए, वो बहुत अच्छा रहता है। और एक बात है कि मतलब आपका तालाब आपके गांव में यदि तालाब सूख जा रहा है, तो आयुर्वेद में एक कथन है कि अभी मतलब मुझे यहाँ पे मतलब एक गौशाला का मतलब है हमारे उड़ीसा में, तो गौशाला मतलब जो संचालक है उन्होंने मुझे फोन किया कि ऐसा मतलब आयुर्वेद में ऐसा कुछ वर्णन है क्या, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे गौशाला में 115 गाय है, मतलब बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि अभी मतलब गाय के लिए अभी चारा नहीं है, मतलब घास ही नहीं है, सारे घास जो है वो मतलब अभी जलकर मतलब नष्ट हो गए, सूख गए हैं, अभी उनको मतलब खाद्य कैसे दे, गो खाद्य कैसे दे, उनके ऊपर मतलब ये बड़ी चर्चा है। तो मैंने केवल एक ही बात कहा जो मतलब मैं हर किसी को बताता हूँ, आपको भी बताता हूँ, आपके यदि चाहते हैं कि हमारे आसपास जो मतलब खेती होती है, चाहे धान की खेती हो, मांडिया की खेती हो, कोदो की खेती हो, बाजरे की खेती हो, गेहूं की खेती हो, तिल का खेती, मतलब किसी भी प्रकार का खेती हो, आपका यदि कोई जड़ी बूटी का भी खेत करते हैं, साग भाजी का भी कोई मतलब खेती करते हैं, तो आपको क्या करना है, जो आपका जो हीड होता है ना,
मतलब जो बंद होता है, मतलब जो केयरी से, मतलब जो लकर, जो शटकर जो होता है, वहां पर आपको क्या करना है, केवल आपको एक हिंजल का पेड़ लगाना है, ये ध्यान में रखिएगा। केवल एक हिंजल का पेड़ लगाने से लगभग 50 एकड़ जमीन तक वो पानी, मतलब वो पकड़ के रखता है वहां पर, मतलब पानी की धारा वो बनाने लगती है, वो सूखता नहीं कभी भी। और मतलब मैंने केवल उनको यही कहा कि आप वहां पर एक हिंजल का पेड़ लगवाइए। हाँ, मतलब ये एक वर्ष जो है आपका थोड़ा कष्ट से गुजरेगा, मतलब बीतेगा, परंतु अगले वर्ष से आपको ये कष्ट दुख जो है नहीं रहेगा, क्योंकि वहां पर मतलब घास कभी, मतलब जल की, मतलब जो सूखापन नहीं आएगी जमीन की, और वहां पे घास फूस कभी मतलब जलेंगे नहीं, घास फूस बहुत अच्छी मात्रा में वहां, मतलब वहां पे मतलब आपको मिलेगा वहां पर। तो ये उपाय कीजिए। और तालाब के मतलब जो पानी जिनका सूख जाता है, तो तालाब का जो मतलब हिड होता है ना, बांध जो तट होता है तालाब का तट, वहां पर क्या करना है, एक नीम का पेड़ लगाना है, बरगद का पेड़ लगाना है, पीपल का पेड़ लगाना है, जामुन का पेड़ लगाना है, हिंजल का पेड़ लगाना है, ये आपको मतलब इतने सारे पेड़ आपको लगाने हैं। और देखेंगे कि उसका मतलब जो तालाब है ना, उसमें मतलब औषधियों का गुण मिलेगा आपको। तो फिर आपको ये अश्वगंधारिष्ट, अशोकारिष्ट, ये कुमारसव, ये अभयारिष्ट, ये सब आपको सेवन करने की जरूरत नहीं है। दशमलारिष्ट, ये सब सेवन करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप ये भरोसा कीजिए, विश्वास कीजिए, जो आयुर्वेद का जो ऋषि मुनि का जो वाक्य है वो एकदम मतलब सतोष अनुभूत है, 100% सत्य है। केवल आपको विश्वास करना चाहिए, जैसे हम वायु के मतलब अनुभव करते हैं, तो ऐसा अनुभव कीजिए। बाद में हम आयुर्वेद के ऊपर और भी मतलब बेहद मतलब चर्चा कर सकते हैं। तो अभी तो 8:50 हो गया है, मैं यहाँ पर आप मतलब ये वाणी को विराम देता हूँ। और आपके मन में कोई शंका हो, संदेह हो, प्रश्न हो, तो कृपया उपस्थापन कीजिए। वंदे मातरम। जी भाई जी, वंदे मातरम। वंदे मातरम, कहिए। कल के सेशन में जो अग्निमान के बारे में बताया था, जिसमें भूख नहीं लगना, जी जी कल हाँ जी, कहिए कहिए। बताए थे भूख नहीं लगने के बारे में, अग्निमान के बारे में, अग्निमान उसके बारे में थोड़ा सा और उस पर चर्चा कीजिए ना, कुछ उसमें समझ में अच्छे से नहीं आया था। जी, ये जो अग्निमान होता है, मतलब हमारा जठराग्नि होता है बराबर हमारे शरीर में, मतलब कहाँ पर होता है आपका, मतलब चाहे पुरुष हो महिला हो, हर किसी का जो नाभि होता है, नाभि से 4 अंगुल नीचे मतलब आप चले जाइए, जहां पर हमारा मतलब ये कोई धागा बांधते हैं ना कमर में, ये जो ताबीज बांधते हैं वहां पर, उस जगह पे, तो वो जो स्थान है, वो स्थान जो है वो जठराग्नि का है बराबर। वो स्थान को जठर कहा जाता है, और वहां पर हमारा मतलब अग्नि का वास होता है, मुख्य अग्नि का, मतलब ऐसा समझ लीजिए वो रसोई घर है हमारा बराबर, मतलब रसोई घर का चूल्हा उस जगह पर है। तो ये मतलब जब हमारे शरीर में कफ मतलब मात्रा अधिक मात्रा में बढ़ती है, मान लीजिए कि हमने पानी अधिक मात्रा में पी रहे हैं, या तो फिर हमने कटु रस, अम्ल रस और लवण रस की मात्रा कम खा रहे हैं, कम सेवन कर रहे हैं, और मधुर रस और अम्ल रस लवण रस अधिक मात्रा में सेवन कर रहे हैं, परंतु कटु रस को सेवन नहीं कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है, हमें हमारा जो मतलब अग्नि है जो जलता है ना, वो बुझ जाता है। और आपका मतलब मान लीजिए कि आपने अभी भोजन किया, और भोजन के 45 मिनट के भीतर आपने पानी पी लिया, तो भी वो जो जठराग्नि जो तीव्र होता है ना, तो वहां पर क्या होता है, वो अग्नि बुझ जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमने क्या किया, मतलब भोजन के बाद में हमने थोड़े मतलब कड़वे चीजें हमने ले ली, जैसे कि मतलब नीम का पत्ते का रस होता है, या तो करेला मतलब हमने मतलब सब्जी सेवन किया अधिक मात्रा में, तो भी उससे क्या होता है, वायु मतलब वहां पे प्रभावित होता है। जो जो लोग मतलब अभी मधुमेह रोग जो मतलब जिनको होता है, वो क्या करते हैं, पूरा एकदम मतलब सालों साल केवल करेला, नीम, भू नीम और चिरायता, और ये और क्या सेवन करते हैं, नीम, भू नीम, चिरायता, करेला, ये मतलब जितने सदाबहार, ये जितने जितने सब मतलब जो कड़वे कड़वे चीज होते हैं वो सेवन करते हैं, तो उससे क्या होता है, उनका वायु बढ़ता है। जब वायु बढ़ता है ना, तो भी अग्निमान्द होता है, और कफ जब बढ़ता है तो भी अग्निमान्द होता है। तो आपको यदि अग्निमान्द ऐसा हो रहा है, मतलब आपको भूख नहीं लग रहा है, तो ये अग्निमान्द का लक्षण है। तो आपको भूख लगने का मतलब आप सोच रहे हैं, तो सोचिए मतलब आपका कफ के कारण अग्निमान्द हुआ है, या तो वायु के कारण अग्निमान्द हुआ है। यदि कफ के कारण अग्निमान्द हुआ है, तो थोड़ा मतलब त्रिकट उच्चारण का सेवन कीजिए, या तो सोंड का सेवन कीजिए, या तो सोंड के साथ धनिया का सेवन कीजिए, तो काढ़ा बना करके, तो उससे क्या होगा, कफ जनित जो अग्निमान्द है वो ठीक हो जाएगा। यदि आपका वायु के कारण आपका यदि अग्निमान्द हुआ है, तो उसमें आप मतलब अजवाइन जीरा लीजिए,
मतलब सेवन कीजिए, या तो फिर अजवाइन पीपल का सेवन कीजिए, या तो सौंठ पीपल काली मिर्च अजवाइन ये सेवन कीजिए, या तो फिर अजवाइन मेथी का सेवन कीजिए, जिससे कि आपका जो वायु जनित अग्निमान देह है वो ठीक हो जाएगा। ठीक है जी। जी हाँ, और एक बात मैं भूल गया था कि जो तालाब का जो जल होता है ना, आजकल मतलब देखेंगे कि मतलब किसी किसी का जो रक्त प्रदर अधिक मात्रा में होती है, मतलब जो ये लिकोरिया भी होती है, मेनोरिया भी होती है, मेनोपोजिया भी होती है, ये सब मतलब जो होती है श्वेत प्रदर, रक्त प्रदर, अशोक दर, ये महिलाओं में आजकल अधिक मात्रा में पाया जाता है। और गर्भाशय की समस्या, डिंबाशय की समस्या, मतलब यूट्रस, सिस्ट, ओवेरियन, ये सब मतलब बहुत अधिक मात्रा में ये जो रोग जो पाया जाता है, इसका एक ही मतलब उपचार है कि आप एक आपको है ना तालाब में मतलब सूर्योदय से पूर्व, मतलब सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद में ये महिलाओं को तालाब में स्नान करना है। केवल आप ये एक उपचार करके देखेंगे, ये प्रयोग करके देखेंगे, उपयोग करेंगे, तो आपका जो गर्भाशय है, जो डिंबाशय है, पक्वाशय है, मलाशय है, मूत्राशय है, वो कभी खराब नहीं होगा, और आपका हार्ट की कभी सर्जरी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और आपको कभी भी मतलब जो नाक से खून गिरता है, आंख से खून गिरता है, या तो दांत से मतलब मसोड़े से जो पायरिया होती है ना आजकल, जो बोलते हैं कि मुझे पायरिया है, मेरे मुंह से बदबू आने लगती है, या तो फिर मतलब मेरे दांतों से मसोड़े से खून गिरता है, मेरे दांत दुर्बल हो गए, हिल रहे हैं, गिर जाते हैं, ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपने तालाब में स्नान करना छोड़ दिया है, इसके लिए आपको ऐसा होता है। ये जो दांत से खून आना, आंख से खून आना, मतलब पेशाब में खून आना, रक्त आना, और योनि मार्ग से खून रक्त आना, ये जो मतलब जितने सब समस्या है, तो ये केवल आपको तालाब में स्नान करने मात्र से वो ठीक हो जाएगा। तो उसके लिए मतलब आपको तालाब में जाकर स्नान करना चाहिए। ये एक मतलब मैं भूल गया था, इसके लिए मैं याद आया तो बता दिया। वैजी भैया जी नमस्ते। नमस्कार। वैजी मुझे एक क्वेश्चन पूछना है कि जैसे इन्होंने भी पूछा कि जठराग्नि मंद क्यों होती है, मतलब तो ये प्रेगनेंसी टाइम में जैसे किसी को भूख नहीं लगती तो उस टाइम पे भी क्या ये जठराग्नि स्लो काम करती है? हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि आपने आपको जब मतलब कोई भी स्त्री महिला जब गर्भवती होती है, तो उस समय क्या होता है, उनको अधिक मात्रा में मतलब ये खट्टा चीजें खाने को अधिक मात्रा में इच्छा होती है, तो अधिक मात्रा में खट्टी चीजें खाते हैं, और उस समय क्या करते हैं, आजकल ये प्राकृतिक चिकित्सा वाले या तो नेचुरोपैथी वाले, एलोपैथी डॉक्टर वाले बोलते हैं कि मतलब आपको पता चल गया कि आप प्रेग्नेंट है, फल खाना शुरू कर दो। मतलब वो जो महिला है वो इतने मात्रा में फल का सेवन नहीं करते है, बराबर, हाँ जी मतलब खाते होंगे, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि फल का सेवन नहीं करते हैं, फल का सेवन करते हैं, हाँ परंतु जी एक अनार या तो एक संतरा ऐसा, एक मौसमी ऐसा सेवन करते हैं, परंतु उनको जैसे पता चल जाता है गर्भवती गर्भ ठहरा है, तो उनको तीन चार अनार दे देते हैं, तीन चार मतलब मौसमी, तीन चार संतरा, मतलब फल की मात्रा बढ़ा दिए हैं। तो फल की मात्रा में बढ़ाने से क्या होगा, तो कब बढ़ेगा, क्योंकि मधुर रस होता है वो कषाय रस होता है, तो कब बढ़ेगा आपको। और खट्टे चीजें खाने को मन करता है, तो खट्टे विभिन्न प्रकार के अचार, या तो मतलब नींबू, या तो फिर इमली, ये मतलब कच्चा आम, ये सब मतलब खट्टी चीजें अधिक मात्रा में खाने की इच्छा होती है, नमकीन अधिक मात्रा में खाने को इच्छा होती है, तो ये सब के है ना, ये जो कफ वर्धक है, तो कफ जैसे ही बढ़ता है तो जठराग्नि मंद हो जाता है। तो वहां पर आपको क्या करना है, केवल इतना करना है कि आपको जो है ना कफ को शांत करने के लिए वहां पर आपको तीखा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वहां पर आपको यदि तीखा खा लिया तो क्या होगा, आपका मतलब फिर अम्ल पित्त बढ़ जाएगा, एसिडिटी हो जाएगी। तो वहां पर आपको इसलिए कहा है कि मुनक्का का सेवन करना चाहिए, क्योंकि मुनक्का का सेवन करने से क्या होगा, आपका कफ भी नाश होगा, कफ भी कम हो जाएगी, और अग्निमान्द भी दूर हो जाएगी, भूख भी लगेगी, और जो भी खाएंगे वो भी पक जाएगी। और गर्भावस्था के दरमियान क्या होता है, हमें अरुचि होती है, कुछ भी खाने पीने को इच्छा नहीं होती, उल्टियां हाँ होती जी है, क्योंकि उसमें यकृत और प्लीहा जो है और बृक्क जो है वो प्रभावित होते हैं, ये तीनों अंग। तो ये जो मुनक्का जब हम सेवन करते हैं द्राक्षा, तो ये यकृत प्लीहा बृक्क को मतलब बल दिए, और गर्भाशय को भी गर्भ को धारण का द्राक्षा का सेवन कर सकते हैं, जिससे कि काढ़ा बना करके, जिससे कि आपको बहुत अच्छा बल मिले, और आपका अग्निमान्द्य भी दूर हो, और भूख भी लगे, और मतलब पाचन क्रिया भी सही तरीके से क्रियाशीलता रहे। सर, तो कितनी क्वांटिटी में लेना चाहिए भिगो के इसको, मुनक्के को प्रेगनेंसी टाइम में? हाँ जी, ये प्रेगनेंसी के दरमियान ऐसा कहा है कि प्रतिदिन आप मतलब एक बार में 8 से 10 मुनक्का को भी मतलब काढ़ा बना के ले सकते हैं। काढ़ा बनाना है सर या भिगा के लेने हैं रात को भिगो के?
नहीं, काढ़ा बना के लीजिए। मतलब उबाल के उसको 1 कप पानी में 8-10 मनक्की को उबाल के। हाँ जी, ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सेवन कर सकते हैं। ठीक है, उसको गुनगुना करके पिए सर। जैसे आपने बोला कि जैसे अरुचि वगैरह, भूख नहीं लगने की प्रॉब्लम ज्यादा फेस करनी पड़ती है, तो इसके लिए मुनक्का बेस्ट है। जी और सर ये जो अंजीर होती है, जी अंजीर मुन्ना का तो सर। हाँ जी, हाँ जी, दोनों चीजें ले सकते हैं। देखिए अंजीर भी मतलब अच्छा है, अंजीर भी ले सकते हैं, परंतु अंजीर पूरे भारतवर्ष में हर किसी को उपलब्ध नहीं हो सकता है, परंतु मुनक्का जो है भारत के हर कोने अनुकोन में मतलब प्राप्त कर सकते हैं, हर कोई मतलब उनको मतलब सेवन कर सकता है। तो इसके लिए आयुर्वेद में ऐसा मतलब ऐसे ऐसे द्रव्यों का वर्णन किया गया है जो, क्योंकि ऋषि मुनियों ने मतलब भारत का परिभ्रमण भी किया है, अखंड भारत का उन्होंने परिभ्रमण करने के उपरांत ही उन्होंने शास्त्र को रचना की है, बराबर उल्लेख किया है। तो उन्होंने मतलब देखा है कि कुछ कुछ द्रव्य जो है मतलब भारतवर्ष में चाहो और नहीं मिलते, तो इसके लिए उन्होंने ऐसा वर्णन किया कि ऐसे ऐसे द्रव्यों का वर्णन करो जो कि भारतवर्ष में किसी भी प्रांत में मिल सके, आराम से सहजता से मिल सके। तो ये जो मुनक्का जो द्राक्षा होते हैं ना, ये भारत के हर कोने में मतलब हर प्रांत में आपको मिल सकता है, तो इसके लिए मुनक्का को अधिक मतलब बताइए, क्योंकि अंजीर हर किसी को उपलब्ध नहीं हो हाँ सकता। जी, हाँ जी। और फ्रूट और खट्टा आपने बोला ना, थोड़ा लिमिटेशन में, कफ वर्धक है ना। जी, थैंक यू सर। भैया जी वंदे नमस्कार। मातरम। वंदे मातरम। ऐसा है कि हाँ मेरे जी नमस्कार। पैर पैर के हाँ जी वंदे उंगली मातरम। में दर्द रहता था, हाँ जी तो मुझे बताया गया था धनिया, मेथी, बबूल गूंद और आंवला पाउडर। जी तो धनिया और मेथी को गर्म कर करके लेना है या फिर ऐसे ही भून देना, उसको पीस देना है? ये मतलब किसने कहा था? मैंने तो नहीं कहा था। गोविंद जी बताए थे अच्छा, मेरे। तो काढ़ा करके मतलब सेवन करने के लिए कहा होगा शायद नहीं गोविंद नहीं भैया ने। बताए थे धनिया, मेथी, बबूल गूंद और आंवला पाउडर को सारे को 50-50 ग्राम मिला करके और एक एक चम्मच खाने के जी लिए। जी तो ये धनिया और तो मेथी उसका को मतलब गर्म सेवन कर कीजिए क्या? ना, मतलब जैसे गोविंद भैया ने कहा है ऐसा मतलब सेवन कीजिएगा, आपको निश्चित रूप से परिणाम मिलेगा। क्योंकि जी उनका जो तो उस गोविंद भैया का जो योग होता है ना, एकदम सिद्ध योग होता नहीं तुम मैं पूछ नहीं पाया था कि धनिया और मेथी को गर्म करके करना है या फिर ऐसे उसको पाउडर बनाना है। नहीं, आपको गोविंद भैया ने ये आपको मतलब काढ़ा बना के सेवन करने के लिए कहा है ना, तो उसको नहीं, काढ़ा पाउडर के बना हिसाब से ही मतलब कर सेवन कीजिए। पाउडर बना कर लेने के लिए ये है सुने हैं। जो ठीक है, तो आपको वैसे ही ले देखिए, धनिया लीजिएगा। में धनिया को और मेथी को वो कभी भी वो गर्म करने के लिए नहीं बोलते, वो सीधे बोलते कि साबुत लेके उसको पीसना है। अच्छा, ठीक है जी 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 धन्यवाद। जी जी बंदन भाई जी, हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हेलो, हाँ जी बंदे मात हाँ जी, बोलिए बोलिए। हाँ बोले कि जी जैसे वंदे मान लीजिए मातरम। कि कोई लेडीज है, हाँ जैसे कोई लेडीज है जिनको, हाँ, तो उसके लिए जैसे होम्योपैथिक में जैसे कैल्शियम के पूर्ति करने के लिए कल्क्रिया फॉस दे सकते हैं उनको, कैल्क्रिया फॉस और फाइव फॉस, ये होम्योपैथिक दोनों मतलब विषय कि में कैल्शियम के पूर्ति मेरी करता तो जानती है। नहीं हूँ। अभी देखिए अच्छा होम्योपैथिक के जी, ठीक है भैया, ठीक है। तो वो विषय में कैल्शियम मेरी तो कोई आयुर्वेद धारणा नहीं है। जी, कोई दिक्कत नहीं, आयुर्वेद आयुर्वेद के हिसाब से में देखा जैसे कोई जाए लेडीज रहता है वो जैसे गर्भवती रहता है, जी कैल्शियम के आयरन के पूर्ति जी 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 वही बता रहा हूँ।
तो यदि आप मतलब गर्भवती महिलाओं को कैल्शियम देना हेलो, चाहते हैं हाँ बोलिए तो एक बोलिए। औषधि आती है ना गर्भपाल रस करके आती है, तो गर्भपाल रस उसमें दे सकते हैं, तो जितना कि जितने सब मतलब समस्या है वो क्या ठीक हो जाती है। अच्छा अच्छा में मतलब कैल्शियम की समस्या हो या कोई भी समस्या हो वो गर्भपाल आपूर्ति हो रस, जाती है, मतलब रक्त की भी आपूर्ति हो जाती है। जिनकी गर्भपाल रस मतलब आपका आयरन की कमी हो, कैल्शियम की कमी हो, मिनरल की कमी हो, विटामिन की कमी हो, प्रोटीन की कमी हो, या तो जिंक की कमी हो, मतलब कोई भी आपका मतलब शरीर में कमी हो, उसको आप मतलब पत्रांगा सब या तो दशमलव रेस्ट या तो फिर दोनों के आप उनका सेवन करा सकती है। यदि आप समर्थ है तो गर्भ चिंतामणि रस दीजिएगा, यदि आप समर्थ नहीं है तो गर्भपाल रस दीजिए, क्योंकि गर्भ चिंतामणि जो है वो स्वर्ण भस्म युक्त आता है जो कि महंगा होती है। एक मिनट थोड़ा थोड़ा व्हाट्सएप पर लिख के भेज दीजिए ना, गर्भ पा ये सॉरी इसी में लिख दीजिए, इसी ग्रुप में, इसी ग्रुप में लिख दीजिए। गर्भ क्या बोले ठीक सर, गर्भ चिंतामणि रस व्हाट्सएप पर इसी में क्या बोलते हैं, हाँ लिख के लिख नहीं के लिखिए भेजिए, आप, लिख के भेज नहीं दीजिए थोड़ा। लिखिएगा, लिखित में दे दिया और जाएगा कैसे बस लिख दिया रिकॉर्डिंग आप ऐसे सुन ही सकते हैं। हाँ ठीक कैसे लेना है है, वो, कैसे लेना, दो दो गोली कैसे लेनी है सेवन सर के कैसे साथ करना है में, उसको, उसमें दो बार दो दो गोली भोजन खाली पेट। के बाद में दिन में दो बार देना है भोजन के बाद। और 10 मुला रिस्ट बताए थे और पतरंगा सब बताए थे। हाँ दशमलव रिस्ट पत्रांगा सब जो है हेलो, वो उसको खाली पेट में लेना है, इसमें से 4 चम्मच, इसमें से 4 चम्मच और उसमें से 4 चम्मच, 1 कप पानी में मिला करके आपको सेवन करना है अच्छा दशमलव रिस्ट और पत्रांगा सब। उसको ये गढ़ पा चिंतामणि रस और ये आसन बताए वो पूरा 9 महीना दे सकते हैं। हाँ जी दे सकते हैं, आंख बंद के दीजिए प्रसव तक। ठीक, धन्यवाद धन्यवाद भैया, धन्यवाद। जी भैया मुझे ये चीज पूछनी थी आपसे, ये आपने बताया था ना गुनगुने पानी में मुनक्का अभी जो उनको बताया है आपने, तो लेकिन प्रेगनेंसी में कहते हैं गर्म चीज जी ज्यादा नहीं खानी चाहिए, तो इससे कोई नुकसान तो नहीं होगा? देखिए जो गर्म है वो चाहे गर्भवती हो या कि मतलब एक स्वस्थ व्यक्ति हो, अधिक मात्रा में गर्म सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अधिक मात्रा में गर्म का सेवन करने से क्या होता है, हमारा अस्थि धातु है वो दुर्बल होता है, रक्त धातु भी मतलब दुर्बल हो जाता है बराबर, और क्या होता है हमारा जो रस धातु भी है वो विकृत हो जाता है। तो अधिक मात्रा में गर्म का सेवन नहीं करना चाहिए, कम मात्रा में जितना मतलब गर्म सह सके, मतलब हमारा जो तापमान जितना होता है जैसे आज का तापमान 35 है, तो 35 डिग्री सेल्सियस की मात्रा में आप उसका गर्म का सेवन कर सकते हैं ऐसा कहा है। अच्छा, नहीं आपने ये बोला था ना गुनगुने पानी में, तो कहते हैं कि गर्म पानी ऐसे नहीं पीना चाहिए, ऐसा बहुत बोलते हैं ना, तो इसके लिए मैं पूछ रही थी आपसे। जी, आप मतलब तापमान के हिसाब से लीजिएगा, जो तापमात्रा होती है तापमान के हिसाब से आप मतलब उसका सेवन करें। ठीक है, तापमान के हिसाब से, ठीक है, धन्यवाद। जी और किसी का कोई प्रश्न है? नमस्ते आचार्य जी, हाँ जी नमस्ते, कहिए। जी ये एलर्जी के लिए क्या सही रहेगा जी? एलर्जी जी ये छींकें आती हैं जी, एलर्जी मतलब क्या होता है, क्या है? हाँ एक जी तो जी नाक नाक में थोड़ी फुसफुराहट होती है जी, खुजली होती है जी नाक में, जी और क्या होता है? और फिर जी हाँ गले गला गले गला जकड़ सी जाता है, और फिर छाती में जी। अच्छा और क्या होता है? हाँ, और फिर मतलब थोड़ी ब्रीदिंग ना ब्रीदिंग खींच खींच के लेनी पड़ती है जी। अच्छा और
बस यही है जी। और फिर इतना ही मतलब होता फिर एलोपैथिक की दवाई से लेते हैं जी, फिर उससे थोड़ा शरीर में वीकनेस आती है जी। और ये होता है जी जी। हर मतलब जब सर्दियां आती हैं तब होता है, जब मौसम बदलता है ना जी, जैसे अब मौसम बसंत बसंत मतलब जी मौसम बदल रहा है जी, सर्दी से गर्मी की तरफ जा रहे हैं जी। जी अभी हुआ है जी, पिछले पिछले ये पिछले इतवार को ही हो गया था जी मैं बीमार जी। जी ठीक हाँ तो इसके है। लिए बताओ जी कुछ आप एक काम कीजिए, जी जी। जी जी आप एक काम कीजिए, त्रिफला का चूर्ण लिया ले आइए और त्रिकटू का चूर्ण ले आइए, बराबर। मतलब मान लीजिए कि त्रिफला का चूर्ण 100 ग्राम लाए, त्रिकटू का चूरण भी 100 ग्राम ले आइए और मुलेठी का चूरण भी उसमें 100 ग्राम मिला लीजिए, तो ये कुल मिलाकर 300 ग्राम हो जाएगा। ये तीनों को मतलब बराबर मात्रा में लाना है और एक शीशी में भरकर रखना है। इसमें से 2 चम्मच लेना है और 2 गिलास पानी में आपको उबालना है। जब आधा गिलास बचे तो उसमें आपको सेवन करना है, बराबर। छान करके मतलब हल्का गुनगुना रहे उसमें, मतलब धीरे 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 उसको सेवन करना है। सुबह में खाली पेट में एक बार और शाम को खाली पेट में एक बार, बराबर। इतना मतलब सेवन करें तो ये 300 ग्राम की मात्रा में जब आपका औषधि जब समाप्त होते होते आपका ये ठीक हो जाएगा। जी वैसे तो जी अब तो मतलब ठीक है, तो जैसे मौसम बदलता है ना जी, तो साल में 2 बार मौसम बदलता है, तो उसमें हो ही जाती है जी प्रॉब्लम। हाँ, तो ये सेवन और करेंगे ना तो ठीक हो हाँ जाएगा। जी वैसे त्रिकुटु चूर्ण भी लिया है जी मैंने, सौंठ का चूर्ण भी लिया है शहद के साथ लेके देखा है, लेकिन वो गर्मी करता है जी। हाँ, आपने उसमें मुलेठी त्रिफला नहीं मिलाया ना, इसके लिए गर्म करते हैं वो। उसमें हाँ आपको बस त्रिफला, मैंने त्रिकटू, मुलेठी तीनों को बराबर मात्रा में मिलाना है उधर। ठीक है जी, ठीक है जी, धन्यवाद। और किसी भाई बहन का कोई प्रश्न है? भैया मेरा प्रश्न था, एक सुनाई दे रहा हाँ भैया जी आपको? कहिए। हाँ जी, हाँ जी सुनाई दे रहा हेलो। है, कहिए। हाँ हाँ एक ऐसा जी अगर सुनाई दे किसी को रहा है। भैया लेडीज है उसको छाती में ना दर्द होता है, मतलब बीचों बीच में दर्द होता है उसको, बहुत साल पहले करीब 20 साल पहले उसको पस आया था उसमें से, और अभी तो कुछ भी नहीं आ रहा है लेकिन कभी कभी दर्द करता है, तो उसके लिए हम क्या उपचार कर सकते हैं? बीच में क्या आया था? पस से आया था जी मतलब? पस आया था, पस जैसे मतलब सफेद पानी जैसा आया था, करीब हो गया 18-20 साल पहले, और अब क्या हो रहा है, थोड़ा थोड़ा कभी कभी दर्द होता है, अच्छा, तो अब कुछ निकलता नहीं है वहां लेकिन पर कुछ मतलब आपको दर्द क्या? होता है। जी, एक औषधि आती है पंचकोल चूर्ण करके, आपको औषधि दुकान में आपको मिल जाएगी, बराबर। पंचकोल क्या नाम चूर्ण है लाना भैया, एक है, बार दोबारा से बता लगभग दीजिए। 50 ग्राम की। 1 मिनट रुकिए। ये मैंने लिख दिया है चैट बॉक्स पंचकोल में जी, जी। ये पंचकोल चूर्ण आती है, आपको औषधि दुकान में आपको मिल जाएगी, बराबर। तो ये पंचकोल चूर्ण आपको 50 ग्राम लाना है और उसमें क्या करना है, आपको 25 ग्राम काली मिर्च का पाउडर मिलाना है और 25 ग्राम आपको अजवाइन का पाउडर मिलाना है, बराबर। मतलब पंचकोल चूर्ण काली 50 ग्राम, मिर्च, काली मिर्च का चूर्ण 25 ग्राम, काली मिर्च का चूर्ण 50 ग्राम और अजवाइन का चूर्ण 25 ग्राम। ये चारों को बराबर मात्रा में ये मतलब मिला करके आपको रखना है, बराबर। लगभग 3 ग्राम की मात्रा में इसको मतलब गुनगुना पानी में घोल करके पीना है और भोजन के लगभग आधा घंटे के बाद में पीना है, बराबर। दिन में भी और पानी में रात घोल में के भी रखना है, ऐसा, मतलब उस एक पानी सप्ताह को, मतलब उस पानी को पीना नहीं, है। गुनगुना पानी में, गुनगुना पानी में घोल करके पी जाना है। जी घोल के पीना है, घोल के पिए, ठीक वैद्य जी है। आपने नमस्कार। बताया भैया 25 ग्राम, 50 ग्राम आपका ये पंचकोल चूर्ण, 25 ग्राम काली मिर्च पाउडर,
25 ग्राम अजवाइन पाउडर। जी वैद्य जी नमस्कार। हाँ। एक क्वेश्चन था। हेलो। हाँ जी नमस्कार, कहिए। अगर हाँ जी नमस्कार, कहिए। अगर किसी में आयरन बी कॉम्प्लेक्स की कमी हो, जैसे कैल्शियम वगैरह, जिंक की, तो उसमें हम आयुर्वेद में क्या ले सकते हैं? जी मतलब आपके आयु कितनी है जिनको देना है? किसी भी ग्रुप, एज ग्रुप में, या एज जरूरी है, किसी को भी दे सकते हैं? जैसे बच्चों को भी, 50 साल के भी, 60 साल के, उनके लिए? जी 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 हाँ जी, उनके लिए बताएं। आयुर्वेद में ऐसा कहा है कि मुलेठी, जी जी मैं वही बता रहा हूँ, मुलेठी का पाउडर ले लीजिए, बराबर। फिर एक आती है केसर, आती है आपको सबको पता है, केसर ले लीजिएगा। और एक आती है मोच रस करके, बराबर, उसको लेना है। और लोध का छाल भी आपको आता है बाजार में, उसको लेना है। और सोना गिरु भी आपको लेना है, प्रियंगू लेना है, प्रियंगू का बीज आती है, बराबर। और लाजा करके आपको आती है, जो कि आपको जहाँ पे मुरमुरा मिलती है ना, वहां पर आपको मिल जाएगा लाजा, जो कि धान का खिल बोलते हैं उसको, धान का मतलब गुण, उसको धान का खिल से वो उसको लाजा बोलते हैं। तो ये लाजा भी आपको लेना है, बराबर। ये सब मतलब सबको कितना है, मतलब बराबर मात्रा में लेकर के आपको मिला देना है, बराबर। मतलब मुलेठी हो गया, केसर हो गया, मोचरस हो गया, लोध का छाल हो गया, सोना गेरू हो गया, प्रियंगू का बीज हो गया, और लाजा हो गया। ये सबको आपको बराबर मात्रा में लेकर के मिला करके एक शीशी में, डब्बे में भर के रखना है। ये इसमें से लगभग एक चम्मच लेना है और एक गिलास पानी में इसको थोड़ा उबालना है, बराबर। ये जब मतलब उबलते उबलते जब आधा एक गिलास बचे तो उसको छानना है। जब हल्का सा मतलब गर्म रहे या तो ठंडा हो जाए तो उसमें क्या करना है, एक चम्मच शहद मिलाना है और उसको पीने के लिए देना है, बराबर। तो ये कब का मतलब भोजन के बाद में देना है, दिन में एक बार और रात को एक बार, ऐसा मतलब दीजिएगा। जिनको मतलब रक्त की मात्रा कमी रहती है, आयरन की मात्रा कमी रहती है, जिनमें जिंक की मात्रा कमी रहती है, या तो फिर मतलब जिनको बार बार ब्लड भी चढ़ाना पड़ता है, इसको लंबे समय तक मतलब उसको सेवन करेंगे तो देखेंगे कि मतलब हेमोग्लोबिन की मात्रा भी बहुत बढ़ जाएगी, शक्ति भी बहुत आएगी। और जिनको मतलब दुर्बलता भी लगती है, ये दुर्बलता भी उसमें दूर हो जाती है, बराबर। और इसको कम से कम 3 महीने तक या तो 3 सप्ताह तक इसका सेवन करना चाहिए। अगर वैद्य जी सब चीजें ना मिले, इसमें कुछ मिले तो, जैसे प्रियांगू हैं, अलग अलग एरिया में अलग अलग चीजें मिलती हैं? नहीं, ये जो आपको मतलब मैंने जो चीजें बताई है, ये आपको भारत के नाम लिख दीजिए, प्रांत में मिलेगी आपको। हाँ जी, इनका प्लीज नाम लिख दीजिए ताकि। हाँ जी ठीक है जी, धन्यवाद। वैद्य जी को प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। आज ही चर्चा चल रही थी कि रक्तदान नहीं करना चाहिए, तो इसके विषय में थोड़ा सा बताओगे आप? रक्तदान के विषय में आप चर्चा कर रहे थे, जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे रिश्तेदार या हमारे को कोई ब्लड की जरूरत होती है तो हम रक्त ले लेते हैं और चढ़ा लेते हैं, इसके विषय पे आप कह रहे थे कि रक्त नहीं देना चाहिए या रक्तदान नहीं करना चाहिए। जी ऐसा कहा है कि आयुर्वेद में इस विषय में तो अभी नहीं चर्चा करूंगा, क्योंकि जब हम रस धातु रक्त धातु के ऊपर चर्चा करेंगे तो उसको विस्तार से हम उधर चर्चा करेंगे, उसका रहस्य भी बहुत सारा है आयुर्वेद के अनुसार। परंतु मैं केवल इतना ही बताना चाहता हूँ, यदि आपको आपातकालीन हो गया, क्योंकि आजकल मतलब इतना संभव नहीं है, बराबर, क्योंकि आजकल जो हमारा जो संसार है, जो भारतवर्ष को इतना बिगाड़ दिया गया है, हमारे संस्कृति को इतना नष्ट कर दिया गया है, यदि भारतवर्ष के सारे लोग, जो हमारा 150 करोड़ जो जनता की जनसंख्या है भारत की, यदि 150 करोड़ जन लोग यदि रातों रात परिवर्तन कर देंगे ना कि हमको मतलब आयुर्वेद की चिकित्सा करनी है, एलोपैथिक चिकित्सा नहीं करनी है, तो भी मतलब आधे बीमार में मर जाएंगे, लगभग 3/4 मतलब ऐसे ही मर जाएंगे बीमार में। पता है क्यों? क्योंकि हमारे पास इतना आयुर्वेद का जड़ी बूटी नहीं है, इतने वैद्य नहीं है, इतने कविराज नहीं है, आज मतलब किसी के पास इतने मतलब ज्ञान भी नहीं है आयुर्वेद का, तो सारा का सारा बिना मतलब चिकित्सा के अभाव से ही वो उनके मतलब मृत्यु हो जाएगी।
तो सबसे पहले क्या करना है हमें, उतना मतलब उसको सजाना, मतलब उसको जो बिगड़ गया उसको मतलब सुधारना है, वो हमें सिस्टम को मतलब पद्धति को पूरा सुधारना है। जब तक ये पद्धति नहीं सुधार सकते तब तक ये मतलब मैं कहूंगा कि रक्तदान नहीं करना चाहिए, तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उल्टा सब मतलब जैसे आपने प्रश्न किया ना, ये हर कोई प्रश्न करेगा, रक्त यदि दान नहीं करेंगे, मान लीजिए किसी का दुर्घटना हो गया तो वहां पे क्या करेंगे, वो तो बेचारा मर ही जाएगा बराबर। तो क्योंकि ये आज हमारा मतलब पद्धति बिगाड़ दी गई है, जब तक ये पद्धति नहीं सुधर जाती तब तक मतलब इसमें चर्चा करने का कोई मतलब महत्व नहीं है। तो अभी मतलब यदि रक्तदान कर रहे हैं तो कीजिए, परंतु बेकार में मत कीजिए। कहीं पे मतलब यदि आवश्यक होती है, कहीं पे मान लीजिए दुर्घटना हो गई गाड़ी से, या तो कहीं ऐसा दुर्घटना हो गया तो रक्त के मतलब बह जाने से उनकी मृत्यु हो सकती है, तो ऐसे स्थानों में आपातकालीन के समय पे रक्तदान कीजिएगा। ठीक है जी, जी, धन्यवाद जी, धन्यवाद, बहुत बहुत जी। धन्यवाद। अगला अगला प्रश्न जो है वो मदन मोहन जी पूछेंगे। मदन मोहन जी के बाद मणि कुमार पूछेंगे, मणि कुमार के बाद कमल जी पूछेंगे। उसके बाद आज की समापन करना पड़ेगा, बाकी लोग कल पूछ सकते हैं। तो मदन मोहन जी आप अनम्यूट करके पूछिए। जी नमस्कार, हेलो हाँ जी नमस्कार, हेलो कहिए। हेलो, हाँ जी कहिए, नमस्कार। थोड़ा विषय से हटके एक प्रश्न है कि जैसे मैंने कहीं पढ़ा है कि सिर पे कपड़ा बांध के पीठ की हड्डी पे लेना चाहिए घंटा भर। हेलो आप क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ नहीं आया मैं, मतलब हेलो, कुछ समझ नहीं पा थोड़ा रहा हूँ मैं। ऊंचा मदमोहन जी, हाँ जी थोड़ा ऊंचा आप क्या बोल बोलिएगा, रहे हैं। क्लियर बोलिए। हाँ हेलो, जी आपकी आवाज हाँ जी आ बोलिए रही है, बोलिए, बट अब लो ऊंचा जी बोलिए थोड़ा, और आवाज आ रही है। आ रही है, आ रही है हरिंदर आपकी भाई, आवाज। बैजी का समय काफी ज्यादा निकल गया है क्योंकि आगे जाना होता है बैजी का, तो एक बार अच्छा बैजी से अनुमति ले, अगर समय है तो ठीक जी, है, नहीं तो कल से हम लोग प्रश्नोत्तरी करेंगे। नहीं भैया आप मैंने समय देखा नहीं, इधर 9:17 हो गया है, कृपया मतलब यहीं पे देखते हैं फिर क्या, कल कल लेते हैं, आने वाले कल हाँ में फिर मतलब लेंगे, क्योंकि मुझे दूसरे ठीक सत्र में भी जाना होता है, हाँ, उड़िया भाषा में। जी ग्रुप में जी जी लिखित में डाल दीजिए सवाल जिनका भी रहता है। जी तो बैजी का बहुत बहुत धन्यवाद, बंदन और अभिनंदन, और बाकी सभी सदस्यों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और तो इसी तरह से जुड़े रहिए, जानकारियां मिलती रहेगी, जगिए और औरों को जगाइए, ये अति आवश्यक है क्योंकि हम जब तक जगते नहीं हम जागरूक नहीं होते, तो कहना या सुनना व्यर्थ है और वो उतना सार्थक नहीं होगा। तो इसीलिए हमें रुचि लेना और जगना बहुत जरूरी है और समझना जरूरी है, क्योंकि जब तक हम मैकॉले के ये छाए हुए बादल में हम लोग जब तक रहेंगे, तब तक हम अपने भारतीय परंपरा और संस्कृति और ज्ञान विज्ञान को पूरी तरह नहीं समझ सकते। तो मैकॉले के चादर को हटानी पड़ेगी और अपनी स्वदेशी चादर, सांस्कृतिक चादर लानी पड़ेगी, ऋषियों के ज्ञान विज्ञान का चादर ओढ़नी पड़ेगी, तभी हम अपने देश को स्वस्थ और समृद्ध बना सकते हैं। तो बाकी बहुत सारी चीजें हैं, वह श्री जी आपको बताते रहेंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ललिता बहन अगर जी हैं तो शांति पाठ कराएं, मीना बहन भी हैं तो शांति पाठ जल्दी से करा दें, नहीं है तो फिर हमें कराना पड़ जाएगा। आती हूँ भैया, बोल देगा। प्रणाम जी दीदी, हाँ हाँ सभी को, शांति पाठ। यम वैदिका मंदिर पुराणा इंद्रम यमम मातरेश्वानमाहो वेदांतिनो ने वचनैयमेकम् यम ब्रह्म शब्देन विनय दिशंती शैवायमीशम शिवयित्यवोचन् यम वैष्णवा विष्णुरिति स्तुवन्ति बुद्धस्तथारणीति बोधजैनाः षट्श्रीयकालेति च शिखसन्ता शास्त्रेति केचित् प्रकटीकुमारा स्वामीति मातेति पितेति भक्त्या यं प्रार्थयन्ते जगतीशितारं स एक एव प्रभुरद्वितीयः
ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 ही हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम। धन्यवाद जी, धन्यवाद। मीना बहन है क्या? चलिए हम अंतिम शांति पाठ करा देते हैं। ओम ध्यो शांतिरंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वेदेवः शांतिर्ब्रह्मा शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांति। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सब शुभ रात्रि, फिर कल मिलेंगे।